दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में किसी इंडस्ट्रीज की अकाउंटिंग को प्रैक्टिकल तरीके से कैसे मेंटेन किया जाता है, यानी ऐसी कोई भी इंडस्ट्रीज जहां पर प्रोडक्ट को असेंबल करने के बाद सेल किया जाता हो, यानी कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, फिर उसकी प्रोडक्शन वाउचर की एंट्री हम कैसे करेंगे और प्रोडक्शन यानी कि उस प्रोडक्ट का असेंबल होने के बाद में उस प्रोडक्ट को सेल किस प्रकार करेंगे, तो ये आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल रूप से सीखने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट पूरा देखना, कोई भी स्टेप इस वीडियो का आप स्किप मत करना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्मार्ट काउंटिंग आरएसएनआर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करी है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी जरूर क्लिक कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर टेली प्राइम, बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, मार्ग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, फैक्टेक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिकल वीडियो कंटिन्यू इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इस प्रोडक्शन वाउचर का यूज किस प्रकार किया जाता है ये सीखने वाले हैं। तो दोस्तों इस प्रोडक्शन वाउचर का यूज केवल इंडस्ट्रीज पर्पज के लिए ही किया जाता है, यानी कि जहां पर प्रोडक्ट को असेंबल करने के बाद सेल करना हो, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का अकाउंटिंग वर्क मेंटेन करना हो। तो और आज की इस वीडियो में हम जो प्रैक्टिकली एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो लेंगे i3 4th generation का CPU तैयार करेंगे। तो दोस्तों जब किसी भी इंडस्ट्रीज में अगर हमें अकाउंटिंग वर्क मेंटेन करना हो, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कोई भी हो सकता है, लेकिन हमें दो बातों का विशेषकर ध्यान में रखना जरूरी है। पहली बात, जो प्रोडक्ट को असेंबल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को असेंबल करने के लिए जो उसका मटेरियल लगना है, जो उसके कॉम्पोनेंट लगने हैं, यानी कि उस प्रोडक्ट को बनाने वाले जो कॉम्पोनेंट्स लगने हैं, वो कॉम्पोनेंट्स होते कौन कौन से हैं और पर पीस में यानी कि जो प्रोडक्ट असेंबल हो रहा है उसमें कितनी क्वांटिटी के साथ वो कंज्यूम होंगे, और सेकंड उन प्रोडक्ट की कॉस्ट प्लस उन प्रोडक्ट की जो असेंबलिंग इंस्टॉलेशन चार्ज जो भी होगा वो कितना आता है, तभी हम उसका सेल का जो रेट है तय कर पाएंगे। और आज की इस वीडियो में हमने i3 का 4th generation का CPU का एग्जाम्पल हमने लिए और इस CPU में ये इतना रॉ मटेरियल है जो कंज्यूम होएगा। तो सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल को परचेज करना पड़ता है, तो हमने परचेज किया हुआ है, ये हमारे पास इस रॉ मटेरियल का इनवॉइस आया हुआ है, स्मार्ट कंप्यूटर से हमने इसको परचेज किया है और ये सारे जो कंपोनेंट्स है जो i3 के 4th generation CPU में हमें कंज्यूम करने हैं, क्वांटिटी है, ये पीसीस है और ये इनके रेट भी है। तो इस तरीके से हमारे पास ये परचेज का इनवॉइस आ गया, तो इसकी एंट्री हमें बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे चलते हैं और उसके बाद में इस इनवॉइस की जो एंट्री है वो मैंने ऑलरेडी करके रखी हुई है। तो सबसे पहले हम उस वाउचर को देखेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम डिस्प्ले पर जाएंगे। डिस्प्ले पर जाने के बाद आपको मैं टोटल कंप्लीट ट्रांजेक्शन जो भी इस सॉफ्टवेयर में हुई है वो सारी दिखाऊंगा। तो इसके लिए डिस्प्ले पर आएंगे, अकाउंट्स बुक पर आएंगे और उसके बाद डे बुक पे। डे बुक पे आने के बाद हम स्टार्टिंग पीरियड 1/4/2020 से लेके और 1 फरवरी के अंदर हमारे पास ये इनवॉइस आया है, तो इसकी सारी डिटेल हम इसको ओके करेंगे। तो आप देख रहे हो इसमें केवल एक ही एंट्री है, वो भी इसकी परचेज वाउचर वाली, तो हम इस पे एंटर प्रेस करेंगे। तो ये इसी वाउचर की एंट्री हमने यहाँ पर इस बीजी सॉफ्टवेयर में करी है। तो सबसे पहले आपको मैं तरीका बता दूंगा किस तरीके से मैंने करी है। दोस्तों सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन पे जाएंगे, परचेज वाउचर पे जाएंगे और ऐड करते हैं। अब ऐड करने के बाद में क्या होगा आपको मैं वो इनवॉइस बताता हूँ। यहाँ पर परचेज टाइप के अंदर ये मेरी लोकल की परचेज है, तो मैंने यहाँ पर आइटम वाइज रखा हुआ है, आप इसको मल्टी रेट भी रख सकते हो। स्मार्ट कंप्यूटर्स जिस पार्टी से मैंने परचेज किया है उसका लेजर मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है, किस तरीके से किया है, तो यहाँ पर स्मार्ट कंप्यूटर्स और इसे अंडर में मैंने सैंडरी क्रेडिटर रखा हुआ है क्योंकि ये हमारे लिए सप्लायर्स है। और उसके बाद में ये ITC एलिजिबिलिटी बिल्कुल हमारे लिए इनपुट गुड्स है, हमें इसका ITC मिलना चाहिए, तो हम इस ऑप्शन में से इसको इनपुट गुड्स सिलेक्ट करेंगे इन चारों ऑप्शन में से। और उसके बाद में ये स्टॉक आइटम, जो जो आइटम हमने इस इनवॉइस के थ्रू परचेज करी है उन सभी स्टॉक आइटमों का हमें यहाँ पर आइटम क्रिएट करनी पड़ेगी। आइटम मैंने किस तरीके से क्रिएट करी हुई है,
आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने स्टॉक आइटम का नाम लिखा हुआ है और इसका जो अंडर में ग्रुप जो मैंने दिया वो कंप्यूटर्स रॉ मटेरियल का दिया हुआ है और ये इसका स्टॉक आइटम का नाम है जो आइटम उसमें कंज्यूम होनी है i3 के CPU बनाने में 4th जनरेशन के लिए। और इस तरीके से बाद में उसका जो टैक्स कैटेगरी है उसमें GST 80%, उसके बाद में इस प्रोडक्ट का HSN कोड रहेगा और उसके बाद में यहाँ पर जो हमारी ट्रांजेक्शन रहेगी परचेज के लिए, तो परचेज के लिए मैंने यहाँ से एक अलग से लेज़र क्रिएट किया हुआ है स्पेसहेयर में जाके, और मैंने इसको फीसी रॉ मटेरियल परचेज का एक अलग से लेज़र क्रिएट किया क्योंकि रॉ मटेरियल हम परचेज करेंगे और फिनिश गुड को सेल करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई हेयर में जाके और यहाँ पे एक लेज़र क्रिएट कर लिया फीसी रॉ मटेरियल परचेज का, और इसको मैंने अंडर में रखा है परचेज काउंट के। तो उसके बाद में एज पर इनवॉइस उसकी क्वांटिटी हमने ली है, उसका टैक्सेबल रेट हमने लिया है, और उसके बाद में इसकी SGST CGST आने के बाद इसकी फाइनल अमाउंट है जो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ जाएगी, इनकी इस अमाउंट की जो टैक्सेबल वैल्यू है वो 22,033.90 रुपये है, और 99% CGST और SGST एड होने के बाद इसकी फाइनल अमाउंट है इस स्टॉक आइटम की वो 26,000 बनेगी। तो इस तरीके से मैंने सारी स्टॉक आइटम की यहाँ पर एंट्री करी और इस वाउचर को मैंने सेव किया हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर फिलअप की हुई है। तो अब हमें उस स्टॉक आइटम का भी एक क्रिएट करना पड़ेगा स्टॉक आइटम को जिस जो प्रोडक्ट हम असेंबल कर रहे हैं, यानी कि i3 4th जनरेशन का ये CPU हम असेंबल कर रहे हैं, तो ये भी एक तरीके की स्टॉक आइटम है। तो इस स्टॉक आइटम को भी हम क्रिएट करेंगे, किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर पे और उसके बाद हम करेंगे मास्टर्स ऑप्शन और उसके बाद में स्टॉक आइटम को, आइटम पे हम जाएंगे और उसके बाद में ऐड, आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर हमें नई क्रिएट करनी हो, नया स्टॉक आइटम बनाना हो, तो हम ऐड पे क्लिक कर देंगे। अगर जो स्टॉक आइटम हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है उसमें अगर कोई किसी टाइप की हमें चेंजिंग करनी है तो हम मॉडिफाई पे जाके कर सकते हैं। तो स्टॉक आइटम हम ऐड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में i3 4th जनरेशन CPU, तो ये हमने इस प्रोडक्ट का जो नाम है दे दिया है। आप अलग अलग कंपनी के नाम के साथ भी हम इसे बना सकते हैं, भी आप HP का, डेल का, जो भी आप क्रिएट करना चाहो, या आपकी जो भी खुद की कंपनी है उसके साथ अगर नाम आप लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। तो मैंने एक सिंपल फॉर एग्जाम्पल लिया, i3 का 4th जनरेशन हम CPU तैयार कर रहे हैं, हालांकि मैंने किसी के ब्रांड का नाम यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। और इसका ग्रुप जो हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर वो रखेंगे फिनिश गुड, क्योंकि हमें इसी प्रोडक्ट को सेल करेंगे। तो ग्रुप हमें क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट हम F3 का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे कंप्यूटर फिनिश गुड और इसको सेव करेंगे। इसका जो ग्रुप है वो हम जनरल में ही रखेंगे और इस वाउचर को करेंगे सेव। उसके बाद यूनिट ये हम इसको पीसीएस में सेल करेंगे और इसकी जो टैक्स कैटेगरी है वो GST 18% है और HSN कोड इसका जो भी रहेगा। और उसके बाद में हमें ये जो सेल काउंट का है, ये जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा स्पेसिफाई सेल्स काउंट, अब आपके सामने ये नोट रिक्वायर्ड आ रहा है, तो हम यहाँ पर एक फिनिश गुड सेल का एक अलग से लेज़र क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए आपको स्पेसिफाई हेयर पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद में F3 से हम यहाँ पे एक लेज़र क्रिएट करेंगे फिनिश गुड सेल और इसे हम रखेंगे सेल काउंट के और इस ऑप्शन को हम करेंगे डायरेक्टली सेव और इसको भी कर देंगे यहाँ से सेव। तो इस तरीके से ये हमारे पास रॉ मटेरियल हमने एज पर इनवॉइस के हिसाब से परचेज कर लिया और ये फिनिश गुड की स्टॉक आइटम हमने अभी क्रिएट करी है। अब हमें इसका प्रोडक्शन वाउचर तैयार करना पड़ेगा। तो दोस्तों प्रोजेक्शन वाउचर तैयार करने के लिए उससे पहले हमें बिल ऑफ मटेरियल भी तैयार करना पड़ेगा। तो बिल ऑफ मटेरियल तैयार करने के लिए हमें सेम वही ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन पे जाएंगे, मास्टर्स को हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे बिल ऑफ मटेरियल, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो हम बिल ऑफ मटेरियल पर हम एंटर प्रेस करेंगे और नया हम क्रिएट कर रहे हैं इसलिए हम करेंगे ऐड पे क्लिक।
अब बिल ऑफ मटेरियल का नाम हमें देना है भी किस तरीके की हम बिल ऑफ मटेरियल तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इसका जो नाम देने वाला हूँ वो दूंगा I3 जनरेशन, I3 के जो सीरीज हमारी चल रही है, I3 की सीरीज के CPU हम तैयार करते हैं, क्योंकि हम I3 के CPU तैयार करते हैं। अब I3 के अंदर अलग अलग जनरेशन के हिसाब से हम तैयार करते हैं, तो इसलिए इस बिल ऑफ मटेरियल का जो नाम है वो हमने I3 के CPU रख दिया है। अब इसमें I3 के अंदर फोर्थ जनरेशन भी रहेगा, फिफ्थ भी रहेगा, सिक्स रहेगा, सेवन, एट, नाइन, टेन, इस तरीके की आगे से आगे इनकी जो जनरेशन है वो क्रिएट होती रहेगी, लेकिन इसका जो बिल ऑफ मटेरियल है वो हमें एक ही रखना है अगर हम I3 सीरीज के कंटिन्यूस तैयार कर रहे हैं। अगर हम I5 भी तैयार करते हैं तो हमें I5 के लिए बिल ऑफ मटेरियल जो अलग से क्रिएट करना पड़ेगा। हमें I3 के सीरीज के अभी CPU तैयार कर रहे हैं, तो I3 सीरीज का CPU हमने रखा है, और उसके बाद में आइटम टू प्रोड्यूस, यानी कि इसके बन I3 के अंदर आपके लिए जो आइटम जो बननी है वो क्या बनेगी। तो अब जो हमारी आइटम जो बनेगी वो I3 फोर्थ जनरेशन का CPU तैयार होगा, जो अभी स्टॉक आइटम हमने क्रिएट करी थी, I3 फोर्थ जनरेशन CPU। अब हमें फोर्थ, फिफ्थ भी बनाना पड़े, सिक्स भी बनाना पड़े, सेवन भी बनाना पड़े, तो जो हमारे बिल ऑफ मटेरियल वो बिल्कुल ये रहेगा, और इसके जो नेम ऑफ प्रोडक्शन है ये चेंज होते रहेंगे, I3 फोर्थ जनरेशन। उसके बाद में क्वांटिटी, अब हमें यहाँ पर पर्टिकुलर एक क्वांटिटी का जो पैरामीटर सेट करना है, तो हम यहाँ पर रखेंगे एक यूनिट इसकी पीसीस रहेगी। अब उसके बाद में एक ऑप्शन आएगा एक्सपेंसिस का, यानी कि खर्चे का, आपके अगर हम I3 फोर्थ जनरेशन एक क्वांटिटी बनाते हैं तो एक क्वांटिटी बनाते वक्त आपके इसके अलावा कॉस्ट के अलावा यानी कि जो परचेज है उसके अलावा और कितना खर्चा आता है। तो दोस्तों अगर आपके पास बिल्कुल फिक्स एक्सपेंसेस है भी, अगर आप I3 फोर्थ जनरेशन CPU असेंबल करवाते हो किसी इंजीनियर से, किसी मैकेनिक से, तो वो आपसे पर पीस के 500 रुपये, 400 रुपये, 300 रुपये अगर फिक्स कर रखा है तो आप फिक्स कर सकते हो। अदरवाइज आपको पता नहीं, आप 400 रुपये भी देते हो, कहीं 450 रुपये भी देते हो, कहीं 500 रुपये भी आपको देने पड़ सकते हैं, तो आप इस एक्सपेंसिस को यहाँ पे जीरो रख सकते हो, अगर आपकी कोई लिमिट नहीं है, कोई खर्चा फिक्स नहीं है। तो अगर बिल्कुल फिक्स है तो आप इसे रख सकते हो। और उसके बाद में रॉ मटेरियल कंज्यूम, यानी कि अगर आप I3 फोर्थ जनरेशन CPU एक तैयार करते हो तो आपकी आइटम है जो क्या क्या आइटम कंज्यूम आपको करनी पड़ेगी रॉ मटेरियल। तो अब जो रॉ मटेरियल हमारा लगना है वो ये लगेगा, यानी कि इंटेल का जो प्रोसेसर है हमारा I3 का वो लगेगा, तो प्रोसेसर इंटेल कोर 3 एक पीस लगेगा। इस तरीके से जो सेकेंड आइटम है वो मदरबोर्ड, ये भी एक पीस लगेगा। इस तरीके से रैम है जो 4 GB की, वो भी हम एक लगा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है असेंबल पे, यानी कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसके अंदर आपने रैम है जो किस हिसाब से सेट करनी है, 4 4 GB एक देनी है या 4 4 GB की आपने दो लगानी है। अगर आप एक लगा रहे हो पर पीस में तो एक सेलेक्ट करोगे, अगर आप एक पीस में दो लगाओगे तो यहाँ पर आपको जो क्वांटिटी है वो दो रखनी पड़ेगी। तो अभी मैं फिलहाल एक ही रख रहा हूँ। इस तरीके से फोर्थ आइटम है जो LG DVD राइटर एक पीस रहेगा, उसके बाद में हार्ड डिस्क एक पीस, उसके बाद में पावर सप्लाई एक पीस, और इसके बाद में कंप्यूटर चेसिस एक पीस। और इस तरीके से ग्राफिक कार्ड वगैरह और कुछ भी अगर इसमें आप इंक्लूड कर रहे हो तो उस सभी हमें यहाँ पर देने पड़ेंगे उनका नाम। और उसके बाद में फाई प्रोडक्ट जनरेट जनरेटेड, अब इसके अंदर आपको कुछ भी नाम नहीं देना, इसको बिल्कुल खाली ही रखना है, क्योंकि हमने जो प्रोडक्ट जो जनरेट होएगा उसका नाम हमने यहाँ पर ऊपर ऑलरेडी दे दिया है, तो इसलिए उसका नाम हमें यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है इस जनरेटेड वाले कॉलम में। और इस वाउचर को हम करेंगे सेव मटेरियल मास्टर को। तो इस तरीके से हमने बिल ऑफ मटेरियल बिल्कुल तैयार कर लिया है। अब हम करेंगे इसकी प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन करने के लिए हम इस ट्रांजैक्शन मेन्यू पर आएंगे, और ट्रांजैक्शन मेन्यू पे आने के बाद हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्शन वाउचर को। हम प्रोडक्शन वाउचर पर आएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ऐड करेंगे, और उसके बाद में सीरीज हमारी मेन ही है, और उसके बाद में किस डेट को हम असेंबल कर रहे हैं वो हम डेट देंगे, जैसे कि 2 फरवरी को हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर बिल ऑफ मटेरियल का नाम आपसे पूछेगा, यानी कि कौन सी सीरीज की आप तैयार कर रहे हो। तो अभी जो हमने बिल ऑफ मटेरियल जो बनाया था I3 सीरीज CPU, तो उसका नाम है जो यहाँ पर आ जाएगा, एंटर प्रेस करेंगे। अब उसके बाद में हमें यहाँ पर अब जो क्वांटिटी देनी है वो क्वांटिटी देनी है जितने पीस हमने असेंबल करने हैं। अब मान लीजिए हमने 3 पीस है जो तैयार करने हैं I3 फोर्थ जनरेशन CPU के।
अब ये ऑप्शन आपसे पूछेगा, आइटम i3 फोर्थ जनरेशन सीपीयू और क्वांटिटी कितने पीस आपको तैयार करने हैं, एक करना है, दो करना है, तीन करना है, क्योंकि अभी जो हमने बिल ऑफ मटेरियल में जो सेट किया था वो पर्टिकुलर एक का सेट किया था। अब हम तीन पीस तैयार कर रहे हैं तो हमें करेंगे यहाँ पे थ्री। और अब अगर आपके पास एक्सपेंसेस आपको पता है लग गया भी हमें तीन सीपीयू तैयार करवाने में हमारे इतना खर्चा आया है, तो वो खर्चे के अमाउंट हम पर पीस के हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमने एक्सपेंसेस बिल ऑफ मटेरियल में फिक्स नहीं किया था, क्योंकि खर्चा कोई लिमिट का नहीं है, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। अब मान लीजिए आपके जो तीन सीपीयू तैयार करवाने के अंदर 1200 रुपये लगे हैं, यानी कि 400 रुपये पर पीस का खर्चा है, तो हम यहाँ पर 400 रुपये रखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों अब आप देख रहे हो i3 फोर्थ जनरेशन के थ्री पीसेस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, और उसके बाद में यहाँ पर इसकी जो प्राइस है 49,503 रुपये, 49,505 रुपये और 13 पैसे, जबकि यहाँ पर जो आइटम कंज्यूम हुई है, आप यहाँ दो ऑप्शन देखें, आइटम जनरेटेड यानी कि ये आइटम आपकी जनरेट हुई है, और आइटम कंज्यूम, अब ये सारी आइटम है जो आपकी कंज्यूम हुई है। अब जो आइटम कंज्यूम हुई है उसकी जो वैल्यू है वो 48,305 रुपये और 13 पैसे है, जबकि यहाँ पर i3 की जो वैल्यू दिखा रहा है वो 49,505 रुपये और 13 पैसे का है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इसका खर्चा आ चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने मटेरियल सेंटर को मेन स्टोर में रखेंगे, इसको भी मेन स्टोर में रखते हैं। अब इसका अगर नरेशन हमें कुछ लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, अदरवाइज हम इस वाउचर को डायरेक्टली यहां से करेंगे सेव। तो दोस्तों अब इसकी जो ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कहां पे आए, हमारे स्टॉक पर, हम स्टॉक देखेंगे। तो स्टॉक हम दो तरीके से देख सकते हैं, सबसे पहले आपको डिस्प्ले मेन्यू पर आना है, और उसके बाद में स्टॉक स्टेटस, स्टॉक स्टेटस पर एंटर प्रेस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक हमें देखना है, बैलेंस ओनली, ऑल आइटम। तो इसके बाद में आपको जो भी वैल्यू चाहिए कुछ भी देखना हो, बी शो वैल्यू ऑफ आइटम, यस करेंगे इसको और ओके प्रेस करेंगे। तो अब आप देख रहे हो आपके पास ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो यहाँ पर ये आइटमों का शो होएगा। अब जैसे हम एक पर रखे कंप्यूटर चेसिस, इस पर अगर एंटर प्रेस करेंगे तो आपको टोटल ये भी दिखाएगा, टोटल जो पीस है आपने 8 पीस परचेज किए थे 10,169 रुपये और 50 पीसे के। अब जिसमें आपको तीन पीस है जो प्रोडक्शन आप कर चुके हो, यानी कि ये आइटम है जो i3 सीरीज के जो सीपीयू तैयार किए हैं उसमें कंज्यूम हो चुका है, तो इसलिए इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 5 दिखाएगा। तो इस तरीके से हमने i3 का फोर्थ जनरेशन सीपीयू जो तैयार किया था उसके अमाउंट है जो यहाँ पर दिखाएंगे, भी तीन पीस आपने तैयार किए हैं और इसमें 49,505 रुपये और 13 पैसे की टोटल वैल्यू है। और इसी आइटम को अगर हमें सेल करेंगे तो सेल करने के लिए ट्रांजैक्शन मेन्यू पे सेल्स ऑप्शन पर आएंगे, ऐड पर आएंगे, और उसके बाद में उसकी जो डेट है जिस तारीख को हमने इसको सेल किया है वो डेट हम यहाँ पर रखेंगे आइटम वाइज, और उसके बाद में जिस पार्टी को हमने सेल किया है उसका नाम हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और अब उस आइटम का नाम देंगे i3 फोर्थ जनरेशन। तो आपको साथ के साथ यहाँ पर ये जो स्टॉक का जो बैलेंस होता है करंट टाइम पे वो भी यहाँ पर शो करता है, और उसके बाद में जैसे मान लीजिए आपने दो पीस सेल किए और जो पर पीस की जो वैल्यू आपको आएगी, अब वो वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, यानी कि 49,000 रुपये में आपके तीन पीस ही तैयार हुए हैं। तो हम इसकी वैल्यू अगर निकालें 49,800 भाग 3, तो लगभग आपके 16,600 रुपये की एवरेज आ रही है। तो हम इसको यहाँ पर 23,000 रुपये की टैक्सेबल वैल्यू रखेंगे, और इस तरीके से इसका जो कैश का इनवॉइस है जनरेट हम किसी पार्टी को भी कर सकते हैं और कैश में भी सेल कर सकते हैं, क्वांटिटी वन करेंगे, अदरवाइज हमारी ईवे बिल की लाइबिलिटीज भी बन जाएगी, और इस वाउचर को हम करेंगे सेव। अगर इसके अलावा कोई अलग से बिल सेंट्री हमें ऐड करना हो और इस वाउचर को हम करेंगे यहाँ से सेव पे क्लिक, और बाकी अदर इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल अगर हमें यहाँ पर देनी हो तो हम दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, प्रिंट हमें नहीं चाहिए इसे नो करेंगे। तो अब अगर हम इसका स्टॉक देखेंगे तो जो स्टॉक की वैल्यू है कंट्रोल एस के साथ भी हम स्टॉक देख सकते हैं। तो अब कंप्यूटर रॉ मटेरियल आपके पास 29 जो पीसेस हैं और कंप्यूटर फिनिश गुड के जो दो पीस अवेलेबल हैं, अब दो इसीलिए क्योंकि हमने इसकी जो प्रोडक्शन करी थी वो तीन वाउचर के साथ करी थी और एक की क्वांटिटी हमने सेल आउट कर दी है, तो इसलिए इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो दो
पीसेस का हमें शो करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में प्रोडक्शन का वाउचर का यूज करते हुए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना, और अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।